श्रीमान वरिष्ठ मंडल स्वयं श्री आशुतोष पांडे साहब ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि स्टेशन परिसर में और या फिर स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों को गहनता से जांच करें कि कोई त्यौहार के समय किसी सामान की तस्करी तो नहीं कर रहा है। इसी निर्देश का पालन करते हुए आरपीएफ थाना नागपुर द्वारा नागपुर रेलवे स्टेशन पर जितनी भी गाड़ियां जा रही है उनको गहनता से जांच की जा रही है। जांच के दौरान दिनांक 27/2/2023 को समय लगभग 10 बजे अंडमान एक्सप्रेस 16032 नागपुर स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने के बाद ड्यूटी स्टाफ द्वारा चेक करने के दौरान S4 में एक यात्री संदिग्ध मिला जिसके पास 2 भारी बैग थे, जिससे पूछताछ करने पर यात्री ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बैग के बारे में पूछने पर उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, इसलिए उसको गहनता से पूछने पर उसने उसमें शराब होना बताया, इसलिए पकड़े गए व्यक्ति को आरपीएफ थाना नागपुर CCTV रूम में लाकर चेक किया गया। चेकिंग के दौरान उक्त के बैग में 37 नग दारू की उन्होंने अलग अलग ब्रांड की दिखाया, जिसके संबंध में कोई दस्तावेज या लाइसेंस पूछने पर उसने किसी प्रकार का कोई उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होना बताया और उक्त माल को हरियाणा से आंध्रा में नेल्लोर में लेके जाना बताया। तो मामला प्रथम दृष्टया रेलवे से तस्करी का पाया गया, इसलिए स्टेट के आबकारी विभाग को सूचना देकर माल सहित पकड़े गए व्यक्ति नाम पेडी वेंकटा कृष्णा रेड्डी, उम्र लगभग 40 वर्ष, रहने वाला नेल्लोर आंध्र प्रदेश का है, उसको आबकारी विभाग को मुद्दे माल सहित सुपुर्द किया गया, जहां पे उसके खिलाफ मामला पंजीकृत करके आबकारी विभाग द्वारा जांच जारी है। तो पकड़े गए दारू की अंदाजन कीमत 66,500 रुपये आकी गई है और 37 नग अलग अलग ब्रांड की बोतलें बरामद की गई है।